बरेली में निर्माणधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरने से मंगलवार देर रात 22 मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें कि नगरिया परिचित मोहल्ले में 100 मीटर ऊंची पानी की टंकी पर शटरिंग का काम चल रहा था। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद करीब रात 2 बजे रेस्क्यू भी चला। अफसरों का दावा है कि अभी तक कोई भी मजदूर दबा नहीं है। वहीं घटना के बाद ज्यादातर मजदूर सदमे में हैं और बोलने से घबरा रहे थे। आपको बता दें कि हादसे को लेकर स्थानीय पार्षद महेश राजपूत ने बताया कि मोहल्ले में नगर निगम 1 लाख लीटर पानी की टंकी का निर्माण करा रहा है। इसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर है। वहीं इसकी लागत करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए है। वहीं रात के दौरान लिंटर डालने का काम चल रहा था। इसी दौरान एक तरफ की शटरिंग अचानक से गिर पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।